हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में अपन ने क्वेश्चन नंबर 7 तक सोल्व कर लिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 तक सोल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 8 से चलो सोल्व करते हैं आज पे। यूजिंग द रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी फाइंड द सम। रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी का यूज करना है, सम फाइंड करना है। इसका फर्स्ट वाला मैं बता देता हूँ। अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहते हो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, मतलब सभी का एलसीएम लेके ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है उस हिसाब से मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे ये अपॉन फाइव वाले हैं दोनों, इनको दोनों को एक साथ लिख देता हूँ, अपॉन थ्री वाले को एक साथ लिख देता हूँ। तो ये फोर अपॉन थ्री और ये है माइनस का टू अपॉन थ्री, प्लस ये है अपना थ्री अपॉन फाइव, ये है प्लस माइनस का इलेवन अपॉन फाइव। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम ले लिया पहले थ्री, तो ऊपर क्या बचेगा अपना, देखो सेम है ना नीचे, तो थ्री को थ्री से डिवाइड करेंगे वन आएगा, वन से ऊपर मतलब सेम ही रहने वाला है ऊपर वाला नंबर। तो ये बना अपना नीचे, यहाँ फाइव एलसीएम लेंगे तो ये सेम ही रहने वाला है, क्योंकि सेम ही है यहाँ पे नीचे भी। ठीक है, अच्छा तो फोर प्लस माइनस टू, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस फोर माइनस टू बना टू अपॉन थ्री बच गया ये। ठीक है, प्लस ये थ्री प्लस माइनस इलेवन है, तो थ्री माइनस इलेवन बनेगा, थ्री माइनस इलेवन कितना होता है माइनस का एट अपॉन फाइव। अब एलसीएम लेंगे थ्री और फाइव का, तो ये आ गया अपना फिफ्टीन, तो थ्री को जब फिफ्टीन से डिवाइड करेंगे, सॉरी फिफ्टीन को जब थ्री से डिवाइड करेंगे फाइव आएगा, ऊपर फाइव को टू से मल्टीप्लाई करेंगे फाइव टू जा टेन, ये फाइव थ्री जा फिफ्टीन और एट थ्री जा ट्वेंटी फोर, तो ये बच जाएगा टेन माइनस ट्वेंटी फोर, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस, टेन माइनस ट्वेंटी फोर अपॉन फिफ्टीन, तो ये आ जाएगा अपना माइनस का 14 अपॉन 15, एंड दिस इज आवर आंसर। ठीक है, इसको अपन डायरेक्ट भी कर सकते थे, डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तुम चाहे तो डायरेक्ट कर लेना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्ट भी बता देता हूँ कैसे कर सकते हैं। तो जैसे ये अपना क्वेश्चन है 4 अपॉन 3 प्लस का 3 अपॉन 5 प्लस का माइनस 2 अपॉन 3 प्लस माइनस इलेवन अपॉन फाइव, तो अपने को पता है थ्री फाइव थ्री फाइव, इनका एलसीएम कितना आएगा 15 आएगा, तो 15 को जब 3 से डिवाइड करेंगे 5, 5 4 से ये आ गया अपना 20। ठीक है, ये 5 3 जा 15, 3 3 जा हो गया 9। ठीक है, ये 3 से डिवाइड करेंगे 5 जा, ऊपर से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 10। ठीक है, 5 से डिवाइड किया तो 3 मल्टीप्लाई करो माइनस का 33। देखो प्लस का नंबर टोटल हो गया अपना 29 और माइनस का हो गया 3 और ये 43 अपॉन 15, तो 9 में से 3 गया तो यहाँ तो कुछ गड़बड़ आ रही है। अच्छा, माइनस का 43 और प्लस का 29 है, तो 43 ऊपर लिखेंगे क्योंकि बड़ा है 29, 13 में से 9 गया तो अपना 4 और ये अपना 14, तो माइनस का 14 अपॉन 15 ही अपना आंसर यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा हो जैसे कर लेना। ठीक है, अगर रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी का यूज करो तो पहले यहाँ पे इन दोनों को करना एक साथ और इन दोनों को एक साथ, और यहाँ तो इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ, और यहाँ पे इन दोनों को एक साथ और सेवन सेवन वालों को एक साथ। ठीक है, तो ये सोल्यूशन कर लेना आप क्वेश्चन नंबर 8 के, बाकी सारे कर लेना। ठीक है, ओके चलो फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। अब करने में टाइम लग रहा है वैसे, लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपन 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज माइनस टू। वन नंबर इसमें दे रखा है माइनस का 14 अपॉन 5, तो सबसे पहले वन नंबर जो गिवन है वो मैं लिख देता हूँ माइनस का 14 अपॉन 5। लेट द अदर नंबर, जो दूसरा नंबर है उसको मैं मान लेता हूँ, लेट द अदर नंबर बी एक्स, पूरा सेंटेंस लिखता हूँ लेट द अदर नंबर बी एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन बोल रहा है कि इन दोनों का एड कितना है माइनस टू, तो मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ माइनस का 14 अपॉन 5 और x, दोनों को ऐड किया विच इज इक्वल टू माइनस टू। अपने को x की वैल्यू निकालनी है तो इसको इस साइड ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो ये जाएगा प्लस में, माइनस टू प्लस का
14 अपॉन 5, तो ये x इज इक्वल टू 5 आ गया LCM, 5 टू जा 10, माइनस का 10 हो गया, प्लस 5 को 5 से डिवाइड किया 1, 1 से ऊपर मल्टीप्लाई किया 14, तो ये बचेगा 14 माइनस 10 मतलब 4 अपॉन 5, दिस इज आवर सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 वाला अपना सॉल्व हो चुका है। ठीक है, चलो फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, इसको मैं रब कर देता हूं 9 वाले को। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इफ वन, ये भी सेम क्वेश्चन है, वन नंबर अपना की वन है कितना 5/6, लेट द अदर नंबर बी एक्स, और फिर बोल रहा है दोनों का जो ऐड है वो माइनस का 1/2 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोनों का ऐड करो 5/6 प्लस एक्स विच इज इक्वल टू माइनस का 1/2, तो ये 5/6 उस साइड ट्रांसफर होगा, किस में जाएगा माइनस में, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस का 1/2 माइनस का 5/6। एलसीएम लोगे तो 2 और 6 का एलसीएम निकाल लेना, 1 जा 2 3 जा 3 से 1, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 6 ही आ जाएगा, विच इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ 6 से जब 2 को डिवाइड, 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, तो माइनस 3 आ गया, 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, स्क्वायर आ गया। ठीक है, दोनों नंबर माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, और ऐड होके माइनस 8 आ जाएगा, 2 से कैंसिल कर सकते हैं उसको, माइनस का 4/3 अपना आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 अपना हो चुका है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 वगैरह पे चलते हैं अपन। ठीक है, चलो तो फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपका, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू माइनस 5 अपॉन 8 सो एज टू गेट -3/2। क्वेश्चन क्या है कि -5/8 में क्या नंबर ऐड करेगी अपना आंसर -3/2 हो जाए। तो अपन मान लेते हैं लेट एक्स शुड बी एडेड टू -5/8 टू गेट -3/2। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या बोला था कि -5/8 में क्या ऐड करें कि अपना ये आंसर आ जाए, तो अपन ने बोला x ऐड करें, तो चलो ऐड कर देते हैं x, -5/8 में x ऐड करते हैं तो अपना -3/2 आ जाता है, बस अपने को x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब इसको अपन राइट हैंड साइड में भेज देंगे प्लस में, माइनस का 5/8 है ये प्लस में जाएगा, तो ये माइनस का 3/2 और प्लस का 5/8, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम अपना 8 ही आ जाएगा, निकाल लेना एलसीएम, 8 को डिवाइड करेंगे 2 से 4 आएगा, मल्टीप्लाई कर दो ऊपर -12 आ गया। ठीक है, 8 को 8 से डिवाइड किया तो 1 आया, तो ये 5, तो x की वैल्यू आ गई -12 प्लस 5 कितना होगा अपना -7/8, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो ऐसे करके अपन ये आगे वाले क्वेश्चन भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं जल्दी से बता देता हूँ आपको। ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, बस तुम होमवर्क टाइम पे कर लेना, कोई तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, और इनको एक बार अपने सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, चलो फिर आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर किस पे चलना है अपने को, 12 पे, 11 हो चुका है। व्हाट नंबर शुड बी एडेड, ये भी सेम क्वेश्चन है, तो अपन बोलते हैं वो पहली वाली लाइन को तो लिख लेना, लेट द लेट x शुड बी एडेड टू -1 सो एज टू गेट 5/7। ठीक है, तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग -1 में अपन ने बोला कि x ऐड करते हैं तो अपना आंसर ये 5/7 आ जाता है, तो 5/7 इस साइड में। ठीक है, तो -1 इस साइड ट्रांसफर होगा तो प्लस में जाएगा, x इज इक्वल टू 5/7 + 1, तो x इज इक्वल टू 7 आ गया एलसीएम, अकेला ही नंबर है नीचे,
सेवन को सेवन से डिवाइड करते हैं वन, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे वन से तो फाइव ही आ गया, और यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे सेवन से तो सेवन इंटू सेवन ये आ गया अपना ट्वेल्व अपॉन सेवन। ठीक है, इसको मिक्सड फ्रैक्शन में करना चाहो तो डिवाइड कर दो ट्वेल्व को सेवन से, सेवन वन जो सेवन फाइव बचेगा, तो इसको अपन ऐसे भी ले सकते हैं वन एंड फाइव अपॉन सेवन। ठीक है, ओके, तो फिर चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर थर्टीन पे। चलो तो क्वेश्चन नंबर 13 पे अपन चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा, बोथ नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम माइनस टू अपॉन थ्री टू गेट माइनस का वन अपॉन सिक्स। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट एक्स, बॉटम नंबर की जगह लिख देना लेट एक्स शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम माइनस टू अपॉन थ्री टू गेट माइनस वन अपॉन सिक्स। तो अपना आप कैसी इक्वेशन बनेगी, माइनस का टू अपॉन थ्री और इसमें से x सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपन ने क्वेश्चन में माना है कि x सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अपना आंसर माइनस का 1 बाई सिक्स आता है। ठीक है, चलो तो अभी माइनस टू बाई थ्री उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, इधर बचा माइनस का x, इधर प्लस, अब ये x मत लिख देना, माइनस का भी लिखना जरूरी है। ठीक है, माइनस का x है ना, बाकी उनमें तो क्या एड हो रहा था, प्लस x था तो इसलिए अपन ने प्लस x लिखा था। तो माइनस टू बाई थ्री उधर गया तो प्लस में जाएगा, ये माइनस का 1 बाई सिक्स प्लस टू बाई थ्री, तो ये माइनस का एक्स इक्वल टू सिक्स आ गया। एलसीएम सिक्स को सिक्स से डिवाइड करेंगे वन आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई किया तो माइनस वन ही आया, थ्री से डिवाइड किया तो थ्री टू जा ऊपर मल्टीप्लाई करो टू टू जा फोर। ठीक है, तो ये आया माइनस का एक्स इक्वल टू माइनस का वन है प्लस का फोर है तो अपना कितना बचा थ्री बाई सिक्स। ठीक है, तो ये आ गया अपना वन बाई टू। ठीक है, तो माइनस एक्स इक्वल टू वन बाई टू है, ये माइनस वन इधर भेज देते हैं तो ये x इक्वल टू हो गया माइनस का वन बाई टू, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14, इसको मैं रब कर देता हूं। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 अपना ये रहा, विच रेशनल नंबर इज इट्स ऑन एडिटिव इनवर्स। कौन सा रेशनल नंबर है जो खुद का ही मतलब जो जिसका एडिटिव इनवर्स वो खुद ही है, तो अपन बोलेंगे जीरो। जीरो का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, जीरो ही होगा। इज द डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर ए रेशनल नंबर, यस। दो रेशनल नंबर है तो उनका जो डिफरेंस करते हैं माइनस करेंगे तो उनका डिफरेंस भी रेशनल नंबर ही होगा। इज एडिशन कम्यूटेटिव ऑन रेशनल नंबर। अब कम्यूटेटिव क्या होता है उसका शॉर्ट में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। जैसे अपन ने 2 प्लस 3 किया, एडिशन की बात कर रहा है ये, तो एडिशन पे कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, जैसे 3 प्लस 2 करे या फिर 3 मतलब 2 प्लस 3 करे या 3 प्लस 2 करे, तो अपने को पता है आंसर सेम आता है। जो ये प्रॉपर्टी होती है इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मतलब चाहे तो नंबर को आगे पीछे लिख दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर अपना सेम ही आता है, तो अपन बोलेंगे यस। ठीक है, फिर फोर्थ वाला है इज एडिशन एसोसिएटिव ऑन द रेशनल नंबर। अब एसोसिएटिव में क्या होता है, तीन नंबर होते हैं। ठीक है, एसोसिएटिव में क्या होता है, तीन नंबर होते हैं, तो चाहे अपन इन दोनों को ऐड करें पहले, देखो थ्री प्लस टू फाइव प्लस फाइव कितना आया अपना आंसर टेन, और इस साइड में अगर मैं इन दोनों को पहले ऐड करता हूं तो ये 2 प्लस 8 कितना आया, तो आंसर तो सेम ही आता है ना, तो एसोसिएटिव है, अपन बोलेंगे हाँ एसोसिएटिव है, यस। ठीक है, फिर अपन फिफ्थ वाला बोलते हैं इस सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव ऑन रेशनल नंबर। तो सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिविटी नहीं होती, क्यों नहीं होती, एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं इसका। जैसे माइनस वन, जैसे थ्री माइनस वन करते हैं
और या फिर वन माइनस लेंगे, कम्यूटेटिव का मतलब आगे पीछे ही तो करना है अपने को, तो थ्री माइनस वन करते हैं तो टू आता है और वन माइनस थ्री क्या आता है माइनस टू, तो सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती। फिर है ए सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव, तो इसमें भी नो बोल देंगे क्योंकि जब यही नहीं है तो फिर एसोसिएटिव भी नहीं होगी। फिर अपन बात करते हैं व्हाट इज द नेगेटिव ऑफ ए नेगेटिव रेशनल नंबर, ठीक है, नेगेटिव रेशनल नंबर का नेगेटिव, जैसे माइनस फाइव है तो इसके आगे एक माइनस और लगा दे, नेगेटिव रेशनल नंबर था इसका नेगेटिव और कर दिया तो मतलब ये क्या आ जाता है प्लस का, तो लिखेंगे पॉजिटिव नंबर, क्या लिखेंगे पॉजिटिव नंबर, कोई दिक्कत है इसमें। चलो तो फिर आगे देखते हैं, फिर आते हैं अपन मल्टीप्लाई पे, तो मल्टीप्लाई कैसे सोल्व करना है अभी इनकी प्रॉपर्टी अपन बाद में देखेंगे ऑफलाइन क्लास में तब, है ना, अभी अपन इनको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं वो बता देता हूँ बस, ठीक है। तो इसका मैं आपको फर्स्ट वाला, थर्ड, फिफ्थ, सेवन्थ, नाइन्थ और इलेवंथ ये सारे मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन उठाया मैंने, थ्री अपॉन फाइव मल्टीप्लाई माइनस सेवन अपॉन एट, तो सबसे पहले देखना है अपने को ये कैंसिल तो नहीं हो रहे, एक नंबर ऊपर एक नंबर नीचे किसी सेम नंबर से डिवाइड तो नहीं हो रहे, कैंसिल तो नहीं हो रहे, तो यहाँ तो देखा अपन ने कोई भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो अपन ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें एलसीएम लेने मत लग जाना, है ना, डायरेक्ट होगा मल्टीप्लाई, तो ये थ्री माइनस सेवन से मल्टीप्लाई होके बनेगा माइनस का ट्वेंटी वन अपॉन एट फाइव का फोर्टी, ये फर्स्ट का आंसर। सेकेंड का आंसर ये थर्ड वाला कर रहे हैं फिर अपन, तो ये लो थर्ड वाला करते हैं, माइनस का सिक्स अपॉन इलेवन मल्टीप्लाई माइनस का फाइव अपॉन थ्री, देखो यहाँ कैंसिल हो रहा है ये थ्री और सिक्स, है ना, ध्यान रखना कैंसिल करोगे तो एक नंबर ऊपर और एक नंबर नीचे होना चाहिए, ठीक है, ऐसे मत करते ना कैंसिल को, अभी ऊपर ऊपर कर दो या नीचे नीचे कर दो वो रॉन्ग हो जाएगा, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई कर दो, अब कैंसिल हो चुका है अपना, तो ये माइनस टू को जब माइनस फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइव टू जा टेन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन इलेवन, ये तुम्हारा हो गया। फिर बात करते हैं अपन फिफ्थ वाले की, तो फिफ्थ वाला क्वेश्चन ये रहा, इसको मैं लिखता हूँ, माइनस का ट्वेल्व अपॉन फाइव इंटू टेन अपॉन माइनस थ्री, तो देखो ये माइनस से तो माइनस कैंसिल हो ही गया, ये थ्री फोर जा ट्वेल्व हो गया और ये फाइव टू जा टेन हो गया, तो नीचे तो कुछ नहीं बचा, ऊपर बचा फोर टू जा एट अपॉन वन लिख सकते हैं इसको। सिक्स वाला नहीं सेवन वाला बताना है, तो सेवन वाला ये रहा अपना, फाइव बाई माइनस एटीन मल्टीप्लाई माइनस नाइन बाई ट्वेंटी, ठीक है, तो ये फाइव वन जा फाइव, फाइव फोर जा ट्वेंटी, ये नाइन वन जा नाइन, नाइन टू जा एटीन, और ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो ही जाएगा, ठीक है, तो ऊपर क्या बचा अपना वन 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 जा वन और नीचे टू फोर जा एट, सर आ गया वन बाई एट, ठीक है। फिर अपन बताते हैं नाइन्थ वाला, तो नाइन्थ वाला अपना ये रहा, सिक्सटीन अपॉन माइनस ट्वेंटी वन मल्टीप्लाई फोर्टीन अपॉन फाइव, यहाँ कैंसिल कौन कौन से हो रहे हैं, ये दोनों हो रहे हैं, सेवन टू जा फोर्टीन, सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन, ठीक है, और तो कोई मल्टी कैंसिल हो नहीं रहा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, सिक्सटीन टू जा थर्टी टू अपॉन फाइव थ्री जा फिफ्टीन माइनस का, तो ये माइनस यहाँ लगाओ, चाहे यहाँ लगाओ चाहे फिर यहाँ लगाओ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अपना एक और बच गया इलेवंथ वाला, तो सेवन अपॉन ट्वेंटी फोर मल्टीप्लाई माइनस का फोर्टी एट, ठीक है, तो ये माइनस फोर्टी एट जो मल्टीप्लाई में ये एक्चुअल में ऊपर है, इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, ठीक है, तो यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, मैं डायरेक्ट कैंसिल कर रहा हूँ ट्वेंटी फोर से, ट्वेंटी फोर बन जाए ट्वेंटी फोर और ट्वेंटी फोर टू जा फोर्टी एट होता है, तो ऊपर अपना सेवन बच रहा है तो माइनस टू बच रहा है, तो अपना आंसर आ गया माइनस का फोर्टीन, नीचे वन बन जाए वन, ये अपना माइनस फोर्टीन आ गया आंसर। तो ये तो हो गया अपना क्या फर्स्ट का डी वाला, सॉरी फर्स्ट डी वन डी का क्वेश्चन नंबर वन आप ऐसे सोल्व करेंगे, ठीक है। चलो तो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर टू का ऐसे सोल्व करना है अपने को, रब कर देता हूं,
है। क्वेश्चन नंबर टू में वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई का मतलब क्या होता है वो देखो ध्यान से कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ जानी चाहिए। चलो तो देखते हैं, जैसे अपना 3/7 मल्टीप्लाई -5/9 है और ये माइनस का 5/9 मल्टीप्लाई 3/7 है, ठीक है, तो दोनों साइड सेम आनी चाहिए। तो चलो मल्टीप्लाई करो, इधर आ गया माइनस का 15, तो कैंसिल तो होगा नहीं कि, अच्छा कैंसिल हो रहा है ना, तो छोड़ो पहले कैंसिल करो, मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, ध्यान रखना पहले कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करना। 3 1 3 3 3 9, तो ऊपर बचा अपना -5 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो -5/7 3 21। सेम चीज इस साइड होगी, 3 1 3 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
थ्री में ऐसे ही करना है। ठीक है, चलो फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। थर्ड वाले में वेरीफाई करना है, सेम है, कुछ भी नहीं है। फिर भी मैं इसका फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो मैं बता देता हूँ आपको। 5/7 मल्टीप्लाई 12/13, इसके ऊपर ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई 7/18। ठीक है, तो जिस पे ब्रैकेट है पहले वो सोल्व करेंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड मैंने उठाई है, इसको सोल्व कर रहा हूँ बस मैं। ठीक है, तो यहाँ देखो कैंसिल तो हो नहीं रहा है ना, कैंसिल नहीं हो रही ना, तो मल्टीप्लाई करो 12/60/13/7/91/7/18। ठीक है, अच्छा अब कैंसिल हो रहा है तो अब देख लो, हाँ हो रहा है बिल्कुल। 7/1/7 ये आ गया 13, ये दोनों किससे हो जाएंगे, आई थिंक 6 से हो जाएंगे, 6 3 18 और 6 10 जा, तो अपना क्या बचा ऊपर 10, नीचे 13 3 39। ये तो है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इसकी सोल्व करके और बता देता हूँ आपको। तो ये है 5/7 मल्टीप्लाई 12/13 मल्टीप्लाई 7/18, तो कैंसिल हो रहा है अंदर, 6 2 6 3 तो क्या आया 7 2 14/39। 5/7 × 14/39 कैंसिल करो, 7 2 14 तो 5 2 10/39, तो दोनों साइड अपनी सेम आ गई, तो बोलेंगे वेरीफाई हो चुका है, बस हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 अपन ऐसे करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करना है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, फिल इन द ब्लैंक्स, ये तो बिल्कुल इजीली कर सकते हो तुम। यहाँ पे ये लिख देंगे -38, यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे अपना क्या लिखा जाएगा, ये 15/7 लिख देना, यहाँ पे 15/7, यहाँ पे लिख देना तुम ये 25/16। पता होगा ये तो है ना, आते होंगे ये तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है वैसे। ठीक है, और वैसे बता भी दिया है क्या। ठीक है, अच्छा अब सुनो, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब अपन ने एडिटिव इनवर्स पढ़ा था, उसमें क्या किया था अपन ने, साइन चेंज किया था, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या करते हैं अपन, उल्टा कर देते हैं फ्रैक्शन को। तो जैसे अपन लिखते हैं 13/25 के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 25/13, इसका हो जाएगा 12/-17, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 24/-7, इसका हो जाएगा 1/18, क्योंकि इसको 18/1 लिख देंगे, -16/1 को 1/-16 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे सबको उल्टा करना है। ठीक है, ये -3/-5 है, इसको माइनस माइनस पहले कैंसिल करना चाहो तो कैंसिल कर देना, फिर ये 5/3 हो जाएगा। -1/1 का 1/-1, इसका 2/0, -5/2, 8/-1, बस। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब देखो, जब पावर -1 होती है तो पावर -1 का मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही होता है। जैसे मैं लिखूं 5/8^-1, तो अपने को अंदर वाले का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, उल्टा हो जाती है फ्रैक्शन। 5/8 की क्या हो गई, 8/5, बस ऐसे ही करना है अपने को। क्वेश्चन नंबर 6 सब में ऐसे हो जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 7 में वेरीफाई करना है। हाँ, ये वाला मैं आपको बता देता हूँ, इसका एक ही क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, बाकी क्वेश्चन आप लोग कर लेना। ठीक है, तो ये 1.4 तो शायद आज मेरे को 1D तो मेरे को आज कंप्लीट करा देने की चाहिए। चलो, मैं क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन ये है, ये मैं आपको करवाता हूँ। यहाँ पे है इसमें 3/7 मल्टीप्लाई 5/6 प्लस 12/13। ठीक है, तो कैसे सोल्व करेंगे,
इस साइड में अपन एलसीएम लेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे और इस साइड में मल्टीप्लाई करके फिर एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो चलो आराम से करते हैं, 3/7 मल्टीप्लाई यहाँ एलसीएम जो आएगा वो कर लो एलसीएम, 13/6 आ जाएगा तुम्हारा एलसीएम, दोनों को मल्टीप्लाई कर मतलब ऐसे निकालोगे ना 13/6 तो पहले 2 से डिवाइड करोगे ना, आता होगा ये तो, मैं ज़्यादा इसलिए बता रहा हूँ, ऐसे इसलिए बता रहा हूँ ताकि सब बच्चों को अपना समझ में आ जाए, ठीक है। फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे 13, 3 और 2 को, तो चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 13, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करना है, तो 13 2 26 को फिर 3 से और करना है, 3 6 18 1 कैरी 3 2 6 78, ठीक है, कितना होता है 78, ये अपना आ गया एलसीएम। वैसे यहाँ डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, 13 और 6 है, उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, है ना, ना तो ये 2 से डिवाइड ना मतलब किसी भी नंबर से कट नहीं होते, तो इनका एलसीएम मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट सीधा आ जाएगा 13 6 78। अच्छा जब 78 को 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा 13, तो ऊपर 13 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 13 5 65 प्लस 13 से डिवाइड करोगे 6 आएगा, फिर ये तुम्हारा आएगा 12 6, कितना होता है 72, ये हो गया तुम्हारा 3/7 इंटू इन दोनों को ऐड करो 7 13/78, कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देते हैं, 3 से पहले ये कैंसिल हो रहा है, 3 1 3 ये 3 2 6 1 बचेगा 3 6 18, ठीक है, तो ये आएगा 26, तो ये तुम्हारा बच गया 137/26 को मल्टीप्लाई कर दो 7 से, तो ये आया 7 6 42 और कैरी 7 2 14 और 4 18 180, ठीक है। चलो राइट हैंड साइड सोल्व करते हैं, ये अपन ने सोल्व की है कौन सी लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड और सोल्व करते हैं, राइट हैंड साइड में क्या है 3/7 × 5/6 प्लस 3/7 × 12/13, तो चलो पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ गया 15/7 = 42 प्लस 12 3 = 36 / 12 13 = 91, इनका पहले निकालेंगे एलसीएम, तो एक तो है अपना 42, एक है 91, ठीक है, तो चलो करते हैं फिर, तो पहले ये 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 से ये होगा 21, ये 91, 3 से कर लेते हैं 3 7 21, ये 91 तो 3 से होगा ही नहीं, तो 7 से कर देते हैं 7 1 और ये 13 से होगा, ये 13 1 1, ठीक है। तो चलो अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो आ जाएगा तुम्हारा एलसीएम, तो 3 2 6 6 7 42 42 मल्टीप्लाई 13, ठीक है, 13 2 26 कैरी हो गया 13 हो गया 52, ये तुम्हारा कहीं एलसीएम आया है 546, ठीक है। तो अब कैलकुलेशन थोड़ी सी इसमें लेंथी होगी, तो चलो फिर भी मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है, ठीक है, करना कैसे वो मैं आपको बता दूंगा। 546 को अब 42 से डिवाइड करेंगे, 546 को डिवाइड करेंगे 42 से, तो वो आएगा तुम्हारा 13, 13 को जब 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो 13 को जब किससे मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, तो ये आएगा तुम्हारा 195, ठीक है। प्लस अब देखो ध्यान से, जब 91 से डिवाइड करोगे तुम 546 डिवाइड बाई 91, तो तुम्हारा 6 आएगा, 36 को 6 से डिवाइड कर दो, 36 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 216 आता है, तो चलो ऐड कर लेते हैं। अब ये 6 5 हो गया 11, 1 कैरी 1 और 9 10 11, 10 और 1 11, 1 कैरी 4 1 3 और 4, 411/546, ठीक है। चलो अब एक बार देख लेते हैं, ये कैंसिल वैंसिल होता है क्या किसी से, तो हाँ
थ्री से कैंसिल कर देते हैं इन दोनों को, थ्री से ऊपर इसको डिवाइड करोगे थ्री से, तो तुम्हारा आएगा थ्री वन जा थ्री इलेवन, थ्री थ्री जा नाइन, टू थ्री सेवन जा, ठीक है। और जब इसको थ्री से कैंसिल करोगे तो थ्री वन जा थ्री, थ्री एट जा ट्वेंटी फोर, और थ्री टू जा सिक्स। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तुम्हारी सेम आ गई, तुमको ऐसे ही करना है क्वेश्चन नंबर सेवन में सारा का सारा, ठीक है। चारों पार्ट अपने को ऐसे ही करने हैं, ओके। चलो फिर आगे करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर एट पे चलते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर एट है, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इलस्ट्रेटेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। प्रॉपर्टी का नेम लिखना है। देखो प्रॉपर्टी मैंने आपको समझाई नहीं है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि जैसे ही स्कूल ओपन होंगे तो उस टाइम मैं एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, मल्टीप्लिकेशन की और डिविजन की सारी प्रॉपर्टी एक साथ ही समझा दूंगा, तो वो आपको समझ में भी आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ अलग अलग अपने को बताने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा अभी बताता हूँ। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि नंबर को उल्टा करके, जैसे मैंने बताया था ना, टू प्लस थ्री या थ्री प्लस टू दोनों सेम है, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना। तो यहाँ से तुमको पता चल गया होगा, बस ये पहले नंबर था वो बाद में लिख दिया, बाद वाला पहले लिख दिया, तो ये तुम्हारी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा, जिसमें तीन नंबर होते हैं वो है तुम्हारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये है डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, जिसमें ब्रैकेट के अंदर प्लस या माइनस वाले दो, प्लस या माइनस होता है और बाहर एक नंबर मल्टीप्लाई होता है, फिर वो नंबर दोनों से मल्टीप्लाई होता दिखता है, माइनस थ्री अपॉन फोर फाइव अपॉन सिक्स से मल्टीप्लाई और माइनस थ्री अपॉन फोर सेवन अपॉन एट से मल्टीप्लाई, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लाई वाली, मल्टीप्लाई वन है तो मतलब अपना आंसर सेम आता है, जैसे माइनस सिक्सटीन अपॉन नाइन था, मल्टीप्लाई वन किया तो अपना आंसर वही आया सेम, इसको बोल देते हैं आइडेंटिटी, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलना इसको, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, आई डी ई एन टी आई टी वाई, ठीक है। अच्छा, ये इनवर्स वाली है जिसमें अपना आइडेंटिटी एलिमेंट बन रहा है, मतलब वन आ रहा है अपना, ठीक है। और इसमें तो तुम्हारा माइनस सेवन अपॉइंट फाइव इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो आ गया, तो ये तो जीरो की कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है। चलो तो फिर आगे क्वेश्चन नंबर नाइन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन अपना ये रहा, द प्रोडक्ट ऑफ ए रेशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। एक रेशनल नंबर है जैसे 5/3 और इसका रेसिप्रोकल मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो ये होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने को बताया हमेशा वन आता है, तो यहाँ पे आ गया वन। जीरो हैज नो रेसिप्रोकल, जीरो है तो जीरो का रेसिप्रोकल, जैसे जीरो है तो जीरो का रेसिप्रोकल 1/0 जो कि नॉट डिफाइंड है, ये होता ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ आएगा अपना नो रेसिप्रोकल, ठीक है। The number are there on reciprocal one, one का reciprocal क्या होता है, one ही होता है, मतलब one को क्या लिखोगे, one upon one, तो ये one upon one होगा इसका, है ना। और minus one, इन दोनों का reciprocal ये खुद ही होते हैं। Zero is dash the reciprocal of any number, zero is not the reciprocal of any number, zero किस, अच्छा zero is not, ठीक है, zero किसी भी number का reciprocal नहीं होता है, ठीक है। द रेसिप्रोकल ऑफ ए वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ए का रेसिप्रोकल 1 अपॉन ए, अपने को पता है जैसे 5 का रेसिप्रोकल अपन क्या लिख देते हैं 1 अपॉन 5, 5 अपॉन 1 का उल्टा क्या होगा 1 अपॉन 5, तो ऐसे ही ए का रेसिप्रोकल 1 अपॉन ए। द रेसिप्रोकल ऑफ 1 अपॉन ए, 1 अपॉन ए का क्या होगा ए। द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल आता है पॉजिटिव, और नेगेटिव रेशनल नंबर का जो रेसिप्रोकल आता है वो नेगेटिव आता है, ठीक है। तो ये अपनी वन डी अपनी कंप्लीट हो चुकी है, तो यहाँ तक आप अपना क्या नाम है नोटबुक में कर लेना, बाकी वन ई एक्सरसाइज अपन करेंगे कल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।